सामाजिक भलाई के कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही स्वयंसेवी संस्था नोफल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी ने इस दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में 15 गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें भेंट की। शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर नोफल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन भेंट की गई। संस्था ने इस दौरान करीबन 15 मशीनें महिलाओं को दी। इस दौरान नगर निगम शिमला की पूर्व महापौर कुसुम सदरेट भी विशेष रूप से मौजूद रहीं। संस्था के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने बताया कि संस्था महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में इस तरह के सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि कई महिलाएं घरों से कार्य करना चाहती हैं, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण वे सिलाई मशीन नहीं खरीद पाती। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्था ने ऐसी 15 महिलाओं को सिलाई मशीन भेंट की जो स्वरोजगार स्थापित कर स्वावलंबी बनना चाहती हैं। आज शिवरात्रि के मौके पर मैं ज़रूरतमंद जो विडो महिलाएं हैं या जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनको सिलाई मशीनें दे रहा हूं, और 15 मशीनें हैं जो आज मैंने सोची हैं देने के लिए। मेरी सोच ये रहती है कि महिला का सशक्तिकरण होना चाहिए, और जो महिलाएं अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने घर वालों का या और भी सदस्यों का हाथ बटाना चाहती हैं और किसी भी कारण से उनके पास पैसों की कमी है जिसकी वजह से वो सिलाई मशीन नहीं ले पाती, लेकिन उस सिलाई मशीन के ज़रिए वो एक अच्छा साधन अपने लिए खड़ा कर सकती हैं, तो उनको ये सिलाई मशीन देके मैं एक रोज़गार उनके लिए उपलब्धि देता हूँ रोज़गार के लिए। इसके अलावा संस्था और क्या क्या कार्य करती है? इसके अलावा हमने जो शुरुआती तौर की थी वो लंगर सेवा से शुरू करी थी यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ धाम की, तो जो गरीब लड़कियाँ हैं उनके लिए हम यहाँ से धाम देते हैं, पूरा उनकी धाम का जितना भी खर्चा आता है, कोई भी राशन चाहिए होता है वो हम देते हैं। अभी तक मैं पिछले 3 महीने के अंदर 11 लड़कियों के लिए यहाँ से धाम दे चुका हूँ। इस महीने 3 की देनी है, अगले महीने 5 की बुकिंग मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है। एजुकेशन के क्षेत्र पे मैं कंप्यूटर्स अभी 18 दिए हैं, अभी 5 अप्रैल में और देने जा रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।